इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे रॉक साइकिल्स, ठीक है। मतलब कहने करते हैं कि जो रॉक्स हैं अपने ओरिजिनल फॉर्म्स में हमेशा नहीं रहते हैं, दे अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब वो ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स में, ठीक है। जो टाइप्स ऑफ रॉक्स हम लोग पढ़े लाइक इग्नियस, उसके बाद सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, ये मतलब लाइक स्टेजेस हैं जिस पे ये ट्रांसफॉर्म होते हैं रॉक। तो जो रॉक साइकिल है वो आपका एक कंटिन्यूस साइकिल है, ठीक है, जिसके थ्रू जो ओल्ड रॉक्स है वो आपका ट्रांसफॉर्म होते हैं न्यू वंस में, ठीक है। तो अब लोग स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो हम लोग जानते हैं जो आपका जो इग्नियस रॉक होता है, जिसको हम लोग प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं, वो क्या होता है, इग्नियस रॉक का प्राइमरी रॉक्स, ठीक है। ये जो होते हैं प्राइमरी रॉक्स हैं इग्नियस रॉक्स, और जो अदर रॉक्स है लाइक सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये आपके इन्हीं इग्नियस रॉक्स जो प्राइमरी रॉक्स है इन्हीं से इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इन्हीं से इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसमें हम इसको इस तरीके से लेके जा सकते हैं लाइक इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन कैसा होता है, इसी के थ्रू, ठीक है, ये थ्रू मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस, ठीक है। इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन मेटामॉर्फिक रॉक्स में होता है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि जो इग्नियस रॉक्स के कुछ फ्रैगमेंट्स हैं, ठीक है, जो इग्नियस रॉक्स से टूट के बनते हैं, ठीक है, उनको हम लोग सेडिमेंट्स बोलते हैं। वो क्या फॉर्मेशन का होता है, ये, ठीक है, सेडिमेंट्स बनते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन, ठीक है, इससे इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये एक्चुअली मेटामॉर्फिक रॉक से भी होता है, ठीक है, सेम चीज़, सेम प्रोसेस मेटामॉर्फिक रॉक से भी होता है, सेडिमेंट्स का फॉर्मेशंस थ्रू द मेटामॉर्फिक रॉक्स भी एंड थ्रू द इग्नियस रॉक्स भी। ये सेडिमेंट्री होते हैं, ये आपका आपका किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक थ्रू द प्रोसेस ऑफ लिथिफिकेशंस। क्या पढ़ा तुम लोग लिथिफिकेशंस में, लिथिफिकेशन में होते हैं जो आपका जो फ्रैगमेंट्स होते हैं सेडिमेंट्स, ठीक है, वो थ्रू कंपैक्शंस डिपॉजिट होके वो रॉक का फॉर्मेशन हो जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग लिथिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है ना कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो खुद भी फ्रैगमेंट्स में चेंज होते हैं, ठीक है, वो खुद भी आपका फ्रैगमेंट में चेंज होकर वो सेडिमेंट्स बनते हैं और फिर से वो उसी फॉर्मेशन में जाते हैं, ठीक है। अब जो होता है आपका कि सेडिमेंट्री रॉक्स भी जिस तरह इग्नियस रॉक्स मेटामॉर्फिक होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स भी थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म कहा जाता है मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे हम बोले आपको, ठीक है। तो आपका क्या देखें, सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन में मेटामॉर्फिक रॉक से भी होता है, इग्नियस रॉक्स भी होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स अपने आप से भी फॉर्मेशन होता है सेडिमेंट्री रॉक्स का। तो पहले तो हम लोग जानते थे कि ये क्या इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, थ्रू द मैग्मा से, ठीक है, मैग्मा के साथ तो सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस से इग्नियस रॉक्स बनते हैं, ठीक है। अब जो है कि इग्नियस रॉक्स जो मैग्मा के कॉन्टेक्ट में आएंगे, ठीक है, तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग मेटामॉर्फिक रॉक्स भी ऑलरेडी हाई टेम्परेचर में बनते हैं, ठीक है। तो अब जैसे भी जितने भी रॉक्स, जितने भी क्रिस्टल रॉक्स हैं, चाहे वो इग्नियस हो, मेटामॉर्फिक रॉक्स हो या फिर आपका सेडिमेंट्री रॉक्स हो, ठीक है, वो क्या होते हैं ना कि कैरीड वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ जब आपका सबडक्शन प्रोसेस होता है, सबडक्शन प्रोसेस, ठीक है। सबडक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि आपका जो क्रिस्टल प्लेट्स हैं वो दूसरे प्लेट्स के नीचे चला जाता है, अंडर प्लेट्स, वेयर इन द कन्वर्जेंस बाउंड्री, तो ये प्रोसेस सबडक्शन कराता है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो आपका जो जितने भी जो रॉक्स है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, ठीक है, या जो आपके इग्नियस रॉक्स है या मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ये सारे आपका मेल्ट होके दोबारा मैग्मा में बन जाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और वो क्या फिर से इंटीरियर में जो मैग्मा है वो वहाँ पर मोल्टन मैग्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, और फिर से अगेन वो एक सोर्स बन जाता है किसका, इग्नियस रॉक्स का, ठीक है। तो इस तरीके का प्रोसेस होता है। अब हम लोग इसको लिखते हैं इस तरीके से है कि जो पहला प्रोसेस क्या है, पहला प्रोसेस है कि आपका जो इग्नियस रॉक है आर प्राइमरी रॉक्स, ठीक है, फॉर्म्ड फ्रॉम मैग्मा सॉलिडिफिकेशंस, ठीक है, इग्नियस रॉक्स आर प्राइमरी रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम द मैग्मा थ्रू सॉलिडिफिकेशंस, ठीक है, थ्रू सॉलिडिफिकेशन इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, थ्रू द सॉलिडिफिकेशंस। अदर रॉक्स में कौन कौन से आएंगे, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक फॉर्म फ्रॉम दीज प्राइमरी रॉक्स, ठीक है,
प्राइमरी रॉक्स, मतलब जो अदर रॉक्स है लाइक सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक है वो ये प्राइमरी रॉक्स से फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ व्हाट यू कैन से मेटामॉर्फिज्म, या हियर कैन से इट इज अ मेटामॉर्फिज्म, ठीक है, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म, ठीक है. सो एंड सेडिमेंट्री टू द फर्स्ट दे बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन, वेदरिंग एंड इरोजन का प्रोसेस है, सेडिमेंट्स में फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस रॉक्स का भी, और बाद में थ्रू द लिथिफिकेशंस क्या बनते हैं, वो सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं. उसके बाद क्या होता है, ठीक है, कि जो आपका इग्नियस रॉक्स होता है या सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, इग्नियस इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड अ चेंज इनटू, फॉर्म से बेटर है चेंज्ड इनटू मॉर्फिक रॉक्स बाय प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म, ठीक है, ये दोनों प्रोसेस, ये प्रोसेस में मेटामॉर्फिज्म में आता है, ठीक है, ये सारे वेदरिंग वाले हैं, ठीक है, ये भी थ्रू द वेदरिंग एंड इरोजन, ठीक है, ये भी थ्रू वेदरिंग एंड इरोजन, ये सारे, और बाद में उसके बाद क्या फॉर्मेशन होता है, लिथिफिकेशन होता है, ठीक है. उसके बाद होते हैं जितने भी जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, जितने भी जो लाइक फ्रैगमेंट्स, जो फ्रैगमेंट्स डिराइव्ड आउट ऑफ इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक इटसेल्फ, ठीक है, फॉर्म इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स थ्रू लिथिफिकेशन, लिथिफिकेशन प्रोसेस से, थ्रू लिथिफिकेशन प्रोसेस, ओके. देन इन द लास्ट ऑल द क्रिस्टल रॉक, द क्रिस्टल रॉक कौन कौन से, चाहे वो आपके इग्नियस और मेटामॉर्फिक या सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, कैरिड डाउन इनटू द मेंटल थ्रू दैट इंटीरियर ऑफ द बर्थ, सबडक्शन प्रोसेस एंड मेल्ट ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इन द इंटीरियर टर्न इनटू molten magma which is the original source of igneous rock. आप लोगों को सारे समझ में आ गया होगा. अब subduction जो process, यहाँ पर आपको हम बताया subduction process क्या होता है. subduction process होता है कि जब आपका जो crystal plate है, ठीक है, वो जो boundaries के पास में होते हैं, boundaries जो area रहते हैं जहाँ पर tectonic plates के जो boundaries होते हैं, उन boundary के पास में जहाँ पर जब कन्वर्जेंस बाउंड्री होता है, वहाँ पर होता है जो एक क्रिस्टल प्लेट होते हैं वो दूसरों के अंदर आ जाते हैं, दूसरे प्लेट्स के नीचे आ जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग सबडक्शन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है. सो ये लेक्चर हमारे यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है. सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.